हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और अब तक हमने 5 वीडियोस एक्सेल पर जो है अपलोड कर दी हैं, और आज की वीडियो में हम एक और असाइनमेंट के साथ कुछ नए फंक्शंस को सीखेंगे। फंक्शंस की बात करूं तो काफ़ी सारे फंक्शंस अब तक हमने काफ़ी कवर कर लिया है। एक बार मैंने जो लिस्ट बनाई थी आप लोगों के लिए यहाँ पर, इस लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितने सारे फंक्शंस यहाँ पे कवर कर लिया है। हमने सम का फंक्शन देखा, रैन रैन बिटवीन इफ और मैक्स, मैक्स के साथ अगर मैं मिनिमम ले लूँ तो मिनिमम भी हम आराम से कर लेंगे। मैक्स में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं इन्हीं नंबर्स में से आपको ढूंढ के बताऊँ कि मैक्सिमम कौन है, हालांकि मुझे दिख रहा है 3,21,000 इज अ मैक्सिमम, बट फिर भी ज़्यादा नंबरों में से टैब दबाया, पूरी सिक्वेंस पूरी सीरीज को सेलेक्ट करा बंद, तो वो दिखा रहा है मैक्सिमम। अगर मुझे मिनिमम नंबर चाहिए इसमें से तो यहाँ से मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा है 2 इज द मिनिमम नंबर इन दिस डेटा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई मिनिमम है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और साथ में सिखा दूँ, सपोज दैट ये नंबर्स लिखे हैं, ये सारे हमारे जो है फंक्शन लिखे हैं, मुझे मैक्स और वी लुकअप के बीच में एक जगह चाहिए, सेल चाहिए जहाँ पे मैं उस मिनिमम वाले फंक्शन को लिख पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, दो रास्ते हैं, या तो मैं पूरा नीचे तक सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल एक्स कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स किया था, एक कदम नीचे एंटर मार देता हूँ, तो मतलब वो जो ऊपर की जो चीज़ थी वो एक शिफ्ट नीचे कर दी मैंने। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस दबाएं, कंट्रोल प्लस नंबर पैड होता है राइट साइड में, कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माइनस, माइनस नहीं दबाना आपको, कंट्रोल प्लस दबाना है। अब वो इंसर्ट के लिए आ जाएगा डायलॉग बॉक्स कि आप इंसर्ट करना चाहते हो नीचे की तरफ, राइट की तरफ, या पूरी रो आपको करनी है। अगर पूरी रो करोगे तो इधर का काम बिगड़ जाएगा आपका, सोचो। तो आप सीधा सेल को ही डाउन की तरफ जो है नीचे करने की कोशिश करो, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, अगर आपको इसे कट कम करना होता तो क्या करते, कंट्रोल माइनस, तो ये डिलीट के लिए आ गया। फिर ये कह रहा है शिफ्ट कहाँ पे करना है, अप साइड को करना है, तो वी लुकअप गायब भी हो जाएगा क्योंकि वो कट हो गया, डिलीट हो गया वहां से, ठीक है। और सेल जो है एक एक ऊपर शिफ्ट हो गए, तो हमें ये सब नहीं करना। प्लस करके एंटर मारा मैंने, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मिनिमम वाला फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, डन। उसके बाद हमने वी लुकअप काउंटा काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक काउंट इफ सम इफ सम इफ। अच्छा, ये जो काउंट इफ है और काउंट इफ्स है, इन दोनों में फर्क क्या था, इसमें दो सिर्फ इस, एक एक ही कंडीशन होती थी, इसमें दो कंडीशन, एक कंडीशन दो कंडीशन। सेम इफ का भी एक नया फंक्शन है, मेरे वाले एक्सेल में अभी तक नहीं आया है, इससे जो ऊपर का एक्सेल है उसमें आ चुका है। यहाँ पे मैंने ढूंढा तो इफ का ही फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे इफ आ गया, सॉरी आ गया। तो इफ्स का फंक्शन क्या है उसका भी मैं इस्तेमाल करना बता दूं, थोड़ा सा वैसे ही बता दूं पहले कि भाई इफ के अंदर करते क्या है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने काउंट इफ में एक कंडीशन और यहाँ पे कई सारी कंडीशन ली थी, तो इफ्स भी हमारी जो है कई सारी कंडीशंस के लिए लगाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा फटाफट यहीं पे बता दूं, तो हमने यहाँ पे रैंक लगाई थी ये वाली, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे ये लगाई थी हमने गुड वाली। अब यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, अगर आपने सारी सीरीज देखी तो यहाँ लॉक लगा हुआ है इसलिए क्लिक नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, व्यू में जाके, व्यू में नहीं रिव्यू में जाके इसे अनप्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड था 123, अब ये होने लग गया। अब इसे F2 करता हूँ, तो यहाँ पे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगा के ऐसे करके हम काम चला रहे थे अपना, लेकिन अगर हम इफ्स का फंक्शन इस्तेमाल कर ले तो क्या हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, आज का टॉपिक अभी शुरू करते हैं, पहले एक बार इसे समझ लो, आप यहाँ पे चीज ही समझ सीखने को मिल रही, डोंट वरी। तो इफ्स लगाया मैंने और टैब दबाया, कहता लॉजिक टेस्ट आपका क्या है, तो लॉजिक टेस्ट है ये ग्रेटर देन है, कुछ भी ले लेते हैं, मान ले 80 से ऊपर है, ओके 80 से ऊपर है कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए गुड, मैं ऐसे चाह रहा हूँ, ठीक है कॉमा। अब देखो मैं दोबारा पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट 2 क्या है, आपका दूसरा लॉजिक क्या है। उसमें क्या होता था कि हम दोबारा से इफ लगाते थे, तो ये हमारे काम को आसान बना रहा है। यहाँ पे मैं लॉजिक टेस्ट लगा रहा हूँ कि वही वाला जो यहाँ पे सेल था, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि वो सिंटेक्स के पीछे चला गया, मैं हाथ से H5 लिख देता हूँ, H5 बड़ा है 60 से, तो लिखा आ जाए एवरेज एवरेज, और फिर दोबारा पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट 3, कितने बहुत सारे अनलिमिटेड लॉजिक आप इसमें डाल सकते हो आराम से। तो यहाँ पे लॉजिक टेस्ट 3 क्या है, H5 अगर या फिर एक काम करूँ, हाँ डाल ही देता हूँ, H5 अगर लेस देन है
60 से, ठीक है, और या फिर 60 से लेस देन या 60 भी हो, 60 या 60 के बराबर हो, तो ऐसे केस में आ जाए मेरे पास लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं हम, नाइस, हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट बंद करके देखता हूँ मैं एक बार, ट्राई मार के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। एंटर मारा, एवरेज लिखा आ रहा है, ये लो, और नीचे अगर F2 दबाकर देखूँ तो रिलेटिव रेफरेंस भी हमने सही इस्तेमाल किया हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार, 80 से कम में नाइस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इफ से बचने के लिए, अगर आपको इफ में कंफ्यूजन है तो आप इफ्स का फंक्शन इस्तेमाल करें, फायदा होगा आपका। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे फंक्शन एक और नया जोड़ लिया इफ्स का भी, मैक्स मिनिमम वी लुकअप काउंटा काउंटा काउंट काउंट ब्लैंक इफ इफ्स सम इफ सम इफ्स। और अगर लास्ट क्लास में हमने एक और का फंक्शन देखा था और एक एंड का भी फंक्शन देखा था, ठीक, और भी फंक्शन आज की क्लास में जो हम देखेंगे उन्हें भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो नए टॉपिक के साथ। बेसिकली आज हम देखेंगे कि लोन शीट के बारे में, यानी जब आप कहीं से लोन लेते हैं तो वहां पे एक लोन स्टेटमेंट बनती है। लोन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो आज लोन लिया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन लिया है, 10% के रेट से लोन लिया है और अगले 10 सालों के लिए लोन लिया हुआ है, तो आपकी एक ईएमआई यहाँ पे जो है बैंक के द्वारा या फिर जहां से भी आपने लोन लिया है वहां पे एक ईएमआई बंध जाती है और आप उसे मंथली मंथली जो है पे करते रहते हैं उस ईएमआई को। तो मान लीजिए किसी बैंक से आपने अगर 5 लाख रुपए का लोन लिया है इस रेट से और 10 सालों के लिए, तो आपने जो ईएमआई पे करी है वो ईएमआई एक्चुअली बनी कैसे, आपको भी तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना, यानी वो ईएमआई की जो कैलकुलेशन है हुई कैसे है, उसको जानने के लिए हमें आज एक लोन शीट बनाना सीखना पड़ेगा एक्सेल की मदद से, ठीक। और कहीं ना कहीं हम थोड़ी देर के लिए ना ये मान लेते हैं अपने आप को, हम है बैंक वाले और हम किसी को जब लोन देंगे, कोई हमसे लोन मांगने आएगा तो हम उससे क्या बोलेंगे, भाई कितना लोन चाहिए, हम उससे बोलेंगे कौन सा लोन चाहिए, मान लो होम लोन चाहिए या फिर कार लोन चाहिए, तो उसका उस हिसाब से एक रेट उसको दिखा दे देंगे और हम उसे पूछेंगे कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो हम टाइम पीरियड डालेंगे और हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेंगे एक्सेल के अंदर, जैसे हमने वो मार्कशीट बनाई थी, सॉफ्टवेयर ही बन गया था वो हमारा, हम किसी बच्चे का रोल नंबर डालते हैं तो वो उसके बारे में डेटा दे पा रहा था, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया था। सेम हम यहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाएंगे इस वीडियो के एंड होने होने तक, जिससे हम क्या है किसी की भी ईएमआई पता कर पाएंगे इजीली, और वो ईएमआई कैसे काम करती है, किसी का भी लोन जो 5 लाख का है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, ये बात हमें पता है। माने अगर साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए का लोन लिया गया है तो वो साल के एंड में जाके कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस 5 लाख पे पहले इंटरेस्ट जुड़ेगा पूरे साल का, एंड देन उसमें से आप क्या पे कर देते हो, ईएमआई पे कर देते हो। ईएमआई के अंदर एक पार्ट प्रिंसिपल का होता है, एक पार्ट इंटरेस्ट का होता है, ये चीजें आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, समझ रहे हैं। ये जो 5 लाख था ये प्रिंसिपल था, इस पर पूरे पे इंटरेस्ट पहले चार्ज होगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, इसके बाद आप ईएमआई पे करते हो, ईएमआई में थोड़ा सा 5 लाख का हिस्सा पे करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट का हिस्सा पे करोगे, थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट तो पूरा ही पे करोगे इस साल का जो ड्यू हुआ है। तो इस तरीके से बनती है आपकी ईएमआई, जिसमें 5 लाख का हिस्सा कुछ होगा जिसको प्रिंसिपल का पार्ट बोलेंगे, जिसमें इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है आपके इस वाले साल में वो पूरा का पूरा एज इट इज होगा, वो भी इसमें जोड़ देंगे, तो P+I=EMI आप इसे बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले अपना केस स्टडी जो है उसको देख लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे शायद ना भी क्लियर हो रहा हो तो मैं डायरेक्टली चलूंगा आपके सामने डिजाइन करूंगा, आप हो सके तो साथ साथ लैपटॉप या अपने पीसी पर प्लीज इसको करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वीडियो को पॉज करें, साथ साथ उतनी चीजें बन रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ले लेता हूँ, कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जैसे कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है लोन स्टेटमेंट को बनाने के लिए। बेसिकली लोन स्टेटमेंट तो आप सीखोगे ही, उसके साथ साथ क्या क्या फंक्शन को मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरीके से एक्सेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ लोन स्टेटमेंट को बनाने के लिए, वो उस पर आपको नजर बनानी है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे लोन अमाउंट, और मैं ले लेता हूँ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं ले लेता हूँ टेन्योर, मतलब कितने साल के लिए जो है हम लोन दे रहे हैं किसी को। मोड ऑफ ईएमआई, मोड ऑफ ईएमआई का मतलब होता है कि भाई जो ईएमआई बनेगी वो कैसे पेमेंट होगी, हो सकता है वो मंथली मंथली पे करे, हो सकता है वो हाफ ईयरली पे करे, क्वार्टरली पे करे, ईयरली पे करे, वैसे जनरली मंथली होती है, ठीक है। फिर भी हम सभी ऑप्शंस को लेकर देखेंगे एक एक बार। तो लेट्स से कि भाई जो लोन है वो 5 लाख रुपए का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% लेकर चलते हैं, यहाँ पे मैंने 10% दबा देता हूँ और पीछे लिख देता हूँ पर एनम, करेक्ट।
टेन्योर हम ले लेते हैं अभी थोड़ा सा 2 साल के लिए ले लेते हैं फिलहाल, थोड़ी देर के लिए। अभी हम बड़े बड़े टेन्योर पे भी काम करेंगे। ओके, उसके बाद ईएमआई हम ले लेते हैं, जस्ट एग्जांपल मंथली मंथली ले लेते हैं। अभी मैं इनको चेंज करते हुए भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि मंथली टेन्योर अगर चूज किया हुआ है, सुनना, 2 साल के लिए यहाँ पे लोन लिया जा रहा है, 1 साल 2 साल, आपसे पूछ रहा हूँ कितनी ईएमआई बनेगी, कितनी किस्त बनेगी, या फिर कितनी बार ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो मंथली जा रही है तो 1 साल में 12, तो 2 साल में 24, ऑब्वियस ही बात है 24। मतलब 24 आया कैसे, क्योंकि मंथली की बात चल रही है, तो 1 साल में 12 जाएंगी। कितने साल के लिए लोन लिया हुआ है, 2 साल के लिए, तो 24 ईएमआई बनेगी। इतना तो हमें पता लग गया, 24 ईएमआई बनेगी। अब ये चीज हमने यहाँ पे पता करी है कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ कि जो मैंने मंथली लिया है यहाँ पे लिख देता हूँ 12, ठीक है। अगर यही चीज सपोज दैट ईयरली होती, थोड़ी देर की बात है, ईयरली होती, तो यहाँ पे कितना मोड ऑफ ईएमआई कितनी होती, मोड ऑफ ईएमआई अगर ईयरली है तो कितने नंबर ऑफ ईएमआई होती। अगर नंबर ऑफ ईएमआई पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ ईएमआई। अब सही है, तो यहाँ पे ईयरली होता तो 2 ईएमआई जाएंगी, साफ सीधी सी बात है, 2 ईएमआई जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे ईयरली ना होके हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली, तो ऐसे करने से, हाफ ईयरली करने से क्या होगा कि साल में 2 बार पेमेंट जाएंगी, तो 2 सालों में 4 किस्तें जाएंगी। बात समझ पा रहे हो? तो मैं चाहता हूँ इसको ऑटोमेट करना, ठीक है, ऑटोमेट करना कि भाई मैं यहाँ पे हाफ ईयरली अपने आप आ जाए और यहाँ पे 4 जो है अपने आप लिखा आ जाए। इन चीजों के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो नंबर ऑफ ईएमआई मैंने जो है यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। अभी तक हमारा डेटा जो है प्रॉपर हो चुका है। इसके अलावा हाफ ईयरली के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साल में कितनी बार पेमेंट जाती है, हाफ ईयरली में 2 बार जाती है। ये मेरे लिए सिर्फ पता करने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर पाऊँ कि 2 सालों में मल्टीप्लाई दो दो बार करके टोटल नंबर ऑफ ईएमआई बनेगी आपकी 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 साल होता तो 5 सालों में हाफ ईयरली की मोड में अगर हम काम करें तो 10 ईएमआई बनेगी। अगर मैं यहाँ पे मंथली लेकर चलूँ तो 12 पेमेंट्स करनी होती है मंथ के, मंथली के हिसाब से साल में 12 पेमेंट्स करनी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ ईएमआई बनेगी आपकी 60, ठीक है। इसको थोड़ी देर तक अपने आप से एनालिसिस करो, समझ आ जाएगा, डोंट वरी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ईएमआई भी लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ ईएमआई। कहीं ना कहीं मेरा टारगेट इसको सॉफ्टवेयर की शक्ल देना भी है, ठीक। कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे लेकिन मैं इसको एक सॉफ्टवेयर के तौर पर भी देखना चाहता हूँ, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ इसको ऑटोमेट करने के लिए, ना मैंने आपको डेटा वैलिडेशन सिखाया था, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। तो एक काम कर लेते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर जाकर, थोड़ी सी, क्योंकि एक्सेल पे तो बहुत सारी जगह होती है, यहाँ जाकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने उसको टेबुलर कर देता हूँ। मंथली मोड हो सकता है, क्वार्टरली मोड हो सकता है, और आपका हाफ ईयरली मोड हो सकता है, और आपका ईयरली भी मोड हो सकता है, ठीक है। ये 4 मोड मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर मंथली मोड हुआ तो 12 किस्तें जाती है साल के अंदर, साल की बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली मोड हुआ तो 4 किस्तें जाती है, हाफ ईयरली मोड हुआ तो साल में 2 बार किस्त जाती है, ईयरली मोड हुआ तो साल में 1 बार किस्त जाती है। आप चाहो तो इसको टेबुलर फॉर्म भी दे सकते हो। टेबल बनाने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल टी। ये पूछता है हेडिंग बनानी है, नहीं हेडिंग नहीं बनानी, मेरी कोई हेडिंग है नहीं ना, तो मैं इसको सीधा टेबल बना देता हूँ ऐसे करके। हेडिंग अपने आप वहां ऊपर दे दी उसने, ठीक है। तो टेबल बना के क्या फायदा हो सकता है कि अगर मान लो कल को आप कोई और भी बना रहे हो, जैसे कि डेली का कर रहे हो, तो आपकी टेबल चलती रहेगी, और यहाँ पे आप डेली का क्या करोगे, कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 365 किस्त देनी पड़ेगी, ऐसी बताया। डेली वेली कुछ होता नहीं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। टेबल ना भी बनाते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल ना भी बनाए तो भी हम बिना टेबल के भी अच्छे से काम कर लेंगे, जरूरी नहीं है। अभी मैंने क्यों बनाया, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ, डिलीट मार दिया, डेटा पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे जाएगा, बोलता है लिस्ट, मुझे लिस्ट लेनी है, सोर्स कहाँ से लिस्ट लेनी है। या तो आप यहाँ पे हाथ से टाइप कर दो, कि मतलब मैं यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, क्लिक करूँ और उसमें से चूज करूँ कि कौन सा मोड रहेगा। तो या तो हाथ से लिख दो मंथली कॉमा क्वार्टरली,
हाफ ईयरली कॉमा ईयरली हाथ से भी टाइप कर सकते हो, वो ले लेगा। लेकिन मैंने वहां पे सेटअप बना रखा है साइड में जाके, उसी को चूज कर लेता हूँ, यानी शिफ्ट के साथ नीचे से पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। एंटर मारने से क्या होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, तो आप ड्रॉप डाउन से इजीली क्वार्टरली हाफ ईयरली मंथली चूज कर सकते हो। अब आपको हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है ये, क्लियर है। और मैं चाह रहा हूँ इस सबको ना मिडिल में कर देता हूँ, सेंटर में, ये लो ये सही है ये। तो इसको डबल क्लिक करके थोड़ा इसकी विड्थ प्रॉपर कर लेते हैं, विड्थ तो जो है इनकी सही हो जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं कर चुका हूँ ये दिस दिस, लेकिन एक दिक्कत और आ रही है, हाफ ईयरली के तो यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए टू आना चाहिए था यहाँ पे कायदे से, तो ये अपने आप टू कैसे आएगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। क्यों ना हम वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे लगा दे भाई, वी लुकअप किस लुकअप को देख के यहाँ रिजल्ट आना चाहिए, हाफ ईयरली, जो मतलब जो यहाँ लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे उतना नंबर लिखा आ जाए, कॉमा टेबल एरे, टेबल मैंने वो साइड में बनाई हुई है, आपको दिख रही होगी छोटी सी टेबल, ये इस पूरी टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, कॉमा कॉलम इंडेक्स, मुझे यहाँ पे वन और टू सेकेंड वाला कॉलम से डेटा उठाना है, एंड फिर से कॉमा, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स ले लेता हूँ, एंड ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अगर अब मैं देखूँ यहाँ से चेंज करके मंथली, तो ये साइड में ये भी बदलता जा रहा है, इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं सबसे बढ़िया, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे हाफ ईयरली करता हूँ तो यहाँ पे टू लिखा आ जा रहा है, जैसे ही टू आ रहा है ये नीचे अपने आप ये भी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ये भी किसी पर डिपेंडेंट है, समझ गए। हाफ ईयरली को मैंने ऑटोमेट कर दिया, ईयरली में यहाँ वन आ गया, वन के बदले फाइव आ गया, 10 साल के लिए लोन लिया हुआ है, सब चीजें बदल रही है अपने आप। अब अमाउंट ऑफ ईएमआई के लिए मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे इनोवेट कर देता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ दोनों सेलों को, ये सेंटर पे तो है, मिडिल में लेकर आ जाता हूँ, और इन दोनों को भी यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, और यहाँ पे कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, वैसे फॉर्मेटिंग का काम हमें बाद में करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और दोनों के दोनों को बॉर्डर कर देता हूँ, वो भी डार्क वाला ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुरंत जो भी कस्टमर सामने खड़ा होगा उसको मैं ईएमआई फटाफट से बता पाऊंगा, डन। इन सबको बोल्ड कर देते हैं, एंड इनमें से मुझे जो एडिटेबल रखना है, मतलब जिसको मेरा एम्प्लॉय चेंज कर दे, चेंज कर देगा मतलब, चल उसको बाद में देखते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे पहले अपना काम कर लेता हूँ। यहाँ मैं बना रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ मैं बना रहा हूँ मेरा प्रिंसिपल, और यहाँ मैं बना रहा हूँ इंटरेस्ट, और यहां मैं बना रहा हूं ईएमआई, और यहां मैं बना रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के साथ यहां पे मुझे एक काम और करना था, इसको मैं कट करके इधर पेस्ट मारता हूं, यहां पे ओपनिंग बैलेंस भी बनाना है मुझे, ठीक है। अब देखो इनके ना मुझे क्या करनी है, सबको मैं ऐसे ऊपर से सेलेक्ट करके इनकी विड्थ किसी भी एक को इतना कर देता हूं, तो सारी एक जैसी हो जाएंगी वो, ठीक है, उनकी जो है जो विड्थ की विड्थ है उनके एक साइज की हो जाएगी। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और सेंटर पे कर देता हूँ, अब सही है। थोड़ा सा और ओपनिंग बैलेंस को खींचता हूँ और चारों बराबर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको छोटा ही कर देते हैं, तो वन टू, और ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताई है, काफी सारी वीडियोस में बताया कि इसको नीचे तक आप आराम से खींचेंगे ये अपने आप ऑटो फिल कर देगा चीजों को, ठीक है। अब मैंने काफी सारा खींच लिया, क्यों खींच रहा हूं मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं खींच देता हूं इसे 180 तक खींच लेता हूं, 180 90 जहां तक भी मन कर रहा है आपका, वहां ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैंने 200 तक कर लेता हूँ, चलो 200 तक, 200 नंबर मेरे पास आ गए, ठीक है। अब क्यों कर रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से देखें 10 सालों के लिए अगर आप मंथली चूज करते हैं, बेसिकली मंथली चलता है ईएमआई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, तो मंथली चल रहा है तो 120 किस्त बनेगी, तो 120 किस्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये किस्त नंबर है, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे। और हमें एक चीज पता है, ईएमआई हमेशा सेम रहती है, ठीक है, ईएमआई जो बिल्कुल सेम रहती है, आपको ईएमआई में चेंजेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। हाँ उसके अंदर, क्योंकि ईएमआई दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसके अंदर कहीं ना कहीं वेरिएट होते चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हर साल आप प्रिंसिपल का कुछ ना कुछ पार्ट जो है पे करते चले जाते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल धीरे धीरे, प्रिंसिपल जो है धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक। ये चीज बात की बात है, फिलहाल मैं इसको ग्राफिक करके बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं बता दूं ईएमआई हमेशा इक्वल होती है, 120 किस्त बनेंगी और वो सारी इक्वल होंगी, बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या रहेगा, तो
तो जितने का लोन लिया हुआ है तो मैं इक्वल्स टू इसको चूज कर लेता हूँ। मैंने कनेक्ट किया, मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा जाए जो बी वन में लिखा हुआ है, एंटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कल को मैं यहाँ पे 2 लाख लिखूंगा तो यहाँ पे 2 लाख अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे 5 लाख ही रहने देता हूँ। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ईएमआई। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जिसके लिए हमें फंक्शन इस्तेमाल करना है पीएमटी। यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के पीएमटी फंक्शन जब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पीएमटी फंक्शन आया। आप इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे टैब का बटन दबाकर इसको ऑन कर देता हूँ, या फिर आप हाथ से ब्रैकेट ऑन भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे सिंटेक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलता है रेट, क्या रेट रहेगा आपका? तो मेरा पास रेट यहाँ पे है, मैं हाथ से टाइप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये रेट जो है वेरिएबल है। कल को कोई और कस्टमर आ रहा है, क्या पता मैं उसे 8% पे लोन दे सकता हूँ या फिर 12% पे भी दे सकता हूँ या किसी और रेट पर भी। तो मैं यहाँ पे इस सेल को चूज कर देता हूँ कि जो भी यहाँ पे सेल पे रेट लिखा रहेगा वो यहाँ पे चूज कर लेगा। बोलता है रेट के बाद कॉमा, एन पर का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, यानी नंबर ऑफ पीरियड कितने हो रहे हैं, 10, यानी 10 सालों के लिए ईएमआई चलेगी। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे बोलता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू वही जो आपका लोन अमाउंट है उसी को आप यहाँ पे लेंगे, लेकिन इस प्रेजेंट वैल्यू को या फिर आप कहें इस प्रिंसिपल वैल्यू को आप माइनस में लेकर यहाँ पे चलेंगे। और फिर लगाएं कॉमा, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है और जो इंटरेस्ट है वो एट द एंड में हमारे लोन अमाउंट पे जुड़ता रहेगा, और जनरली एंड पे ही जो इंटरेस्ट है वो हमारे अमाउंट पर एड ऑन होता रहता है। ठीक है, ऐसे करने से एंटर करूंगा तो मेरे पास ईएमआई निकल कर आती है 81,372.70। अब प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं पीपीएमटी। पीपीएमटी के अंदर फिर से ये बोलता है रेट लेने के लिए, मैंने रेट लिया। एंड देन पर, यहाँ पे पर और एन पर दोनों चीजें पूछी हुई है। यहाँ पे पर का मतलब है कौन सा पीरियड है, तो ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे पीरियड है। तो पहला पीरियड यहाँ पे हमें ले लेना है नंबर 1 को। और यहाँ पे एन पर कितने हैं, अगेन एन पर यानी नंबर ऑफ ईएमआई आपकी 10 रहने वाली है, क्योंकि 10 सालों के लिए लोन लिया है और आप लोन की जो पेमेंट करेंगे वो ईयरली बेसिस पे करेंगे। दैट मीन्स आपकी 10 ही ईएमआईज बनने वाली है, तो नंबर ऑफ पीरियड 10 रहेगा यहाँ पे। कॉमा लगाया, फिर से प्रेजेंट वैल्यू माइनस में रखेंगे आप यहाँ पे। एंड कॉमा लगाया, फ्यूचर वैल्यू आपकी कोई ऐसी है नहीं यहाँ पे। देखो फ्यूचर वैल्यू से मतलब क्या है कि अगर आप लोन सपोज दैट अपनी तरफ से सोचें आपने लोन लिया हुआ है, तो आप जब लोन लेने जा रहे हैं तो आप अपने बैंक को बोलेंगे कि मेरी एक ईएमआई बनाओ, लेकिन ऐसी ईएमआई बनाना कि लास्ट में 20,000 रुपये बच जाए। मतलब क्योंकि मैं लास्ट में 20,000 रुपये आपको एक साथ देना चाहता हूँ। तो ईएमआई किस अमाउंट पर बनानी है, 4,80,000 पे। आपका कहने का मतलब क्या है, यानी 5 लाख लोन लिया है, आप चाहते हो कि ऐसी ईएमआई बनाओ कि लास्ट में 20,000 बच जाए और उसको मैं डायरेक्टली एक साथ दे दूँ। तो अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आता है तो वहां पे फ्यूचर वैल्यू आप उस 20,000 को रख के काम चला सकते हैं। अदरवाइज हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम मानेंगे कि ये 5 लाख रुपए जो पेमेंट करेगा हमारा कस्टमर वो पूरा 0 तक करता रहेगा ईएमआई के फॉर्म में। ठीक है, एट द एंड में हमारा इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पे मैं एट द एंड 0 ले लेंगे एट द एंड के लिए। बिगनिंग का आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, अदरवाइज एट द एंड में ही जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पहले 1 साल या फिर 1 महीना जब आप लोन यूज कर लेते हैं तो फिर उसमें इंटरेस्ट एड ऑन होता है। इसको बंद करके एंटर मारता हूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल का अमाउंट यहाँ पे निकल आता है। और इंटरेस्ट निकालने के लिए आप आईपीएमटी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आईपीएमटी पढ़े जरूर, थोड़ा सा रोक कर आप जब अपने सिस्टम पे करेंगे तो इसको एक बार पढ़ना जरूर है आपको। इसके बाद आईपीएमटी टैब बटन दबाया, ले लेता हूँ। रेट हमारा वही रहेगा सेम, और पीरियड 1 पहला वाला, और नंबर ऑफ पीरियड वही आपके जो यहाँ पे 10 ईयर्स है। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू आपकी सेम अगेन 5 लाख, बट माइनस के साथ लेंगे, और फ्यूचर वैल्यू कुछ ऐसी है नहीं, और एट द एंड में आपका ये सेम रहने वाला है। इसको भी एंटर मार देता हूँ तो यहाँ पे 50,000 का इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। सवाल उठता है क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था, पहले से जो ओपनिंग है उसमें जुड़ेगा इंटरेस्ट और माइनस कर दोगे आप ईएमआई। अब आप सोच रहे होंगे प्रिंसिपल का अमाउंट क्यों कंसिडर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने तो प्रिंसिपल बस एक दिखाने के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। खुद सोचो, 5 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, आप यहाँ पे देखो जरा एक बार, ओपनिंग 5 लाख का लोन है, उस पर पहले इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, एंड देन उसमें से जो भी टोटल बनेगा उसमें से ईएमआई पे कर देगा, ईएमआई माइनस कर देगा, तो आपका जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बचेगा। फिर अगले साल वो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बनेगा, ठीक। फिर दोबारा से इंटरेस्ट ऐड होगा बचे हुए अमाउंट पर, बचे हुए अमाउंट पे, समझ रहे ना, यानी जो ये क्लोजिंग है इस पे, ये जो क्लोजिंग है इस पे इंटरेस्ट जुड़ेगा, एंड देन फिर आप ईएमआई पे करोगे। ऐसे करते करते
जो आपका नया क्लोजिंग आएगा वो पहले वाले क्लोजिंग से कम हो चुका होगा, और ऐसे नीचे जाते जाते एक दिन ऐसा आएगा कि क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो चुका होगा, लोन का निपटारा पूरा हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम खुद से एक डिजाइन कर लेते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस ईएमआई एंटर क्लोजिंग। अब मैं क्या करूंगा, चाहूँ तो मैं इन सबको कॉपी करके नीचे पेस्ट मार दूँ, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ ईएमआई, अब मुझे पता है ईएमआई सेम होती है हर जगह, तो यहाँ मैं अगर कॉपी मारता हूँ यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, ये एरर और दिखा रहा है। क्यों? F2 करके देखो, अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार और करके देखते हैं, थोड़ा सा नीचे जाकर देखते हैं। अब F2 दबाकर देखो इसके ऊपर, यहाँ देख रहे हो क्या हो गया? यस, ये रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करते करते इतने नीचे, रेस्पेक्टिव मोड में इतना नीचे खिसक गया ये। तो हमें यहाँ पे चीज़ें लॉक करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल लॉक करनी पड़ेंगी, बिना लॉक के काम होगा नहीं। तो क्या क्या लॉक करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे B2 यानी ये लॉक करना पड़ेगा, F4 दबा दो यानी B के आगे डॉलर, 2 के आगे डॉलर, B मतलब ये कॉलम भी मुझे लॉक रखनी है और रो भी लॉक रखनी है। मतलब अगर मैं कल को इसकी कॉपी राइट साइड में करूं तो ये 10 इधर ना शिफ्ट हो जाए, इसकी कॉपी नीचे करूं तो ये 10 नीचे शिफ्ट ना हो जाए। इस चीज़ के लिए मुझे B2 को यहाँ पे आके F4 दबा दिया। B5 यानी ये नंबर ऑफ, ये भी हमारा सेम रहना चाहिए हर ईएमआई पर, और B1 आपका लोन अमाउंट जो है ये भी सेम रहना चाहिए। एंटर। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन नीचे पेस्ट। थोड़े से दूर जाकर यहाँ पे 14-15 किस्त लेकर मैंने जो है पेस्ट मार दिया, हालांकि मुझे पता है मेरी 10 ही किस्त बनने वाली है, लेकिन मैंने जानबूझ के नीचे तक किस्त मारा, पेस्ट मारा हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट को भी अगर मैं ऐसे ही करूँ थोड़ा सा नीचे जाकर, तो यहाँ फिर गड़बड़ आ रही है, देख रहे हो आप कितना जल्दी जल्दी से शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। तो रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट इसने यूज किया है, बल्कि हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस रखना होगा कई जगहों पर। तो मैं देखता हूँ मुझे कहाँ कहाँ पे अपने रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना है। B2 को मुझे फिक्स करना होगा, और E7 इसको मुझे फ्री रखना है क्योंकि ये नीचे चलता रहे, मैं चाहता हूँ ये नीचे चलता रहना चाहिए, ठीक है। B5 फिक्स रहना चाहिए, B1 फिक्स रहना चाहिए, एंटर मार देता हूँ, और इसको नीचे तक जहाँ तक मैंने पहले वाली को पेस्ट करा था सेम यहाँ तक पेस्ट मार देता हूँ। अब यहाँ पे खाली आ रहा है, इसकी वजह अभी आपको थोड़ी देर में मैं बता दूंगा क्यों खाली आ रहा है। सेम प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, प्रिंसिपल के अंदर भी मैं B2 को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, B7 को फ्री छोड़ दूंगा क्योंकि ये 1 का 2 बनना चाहिए, 2 का 3, 3 का 4 बनना चाहिए। B5 फिक्स करूंगा, B1 भी फिक्स करूंगा, एंटर मार दूंगा, एंड देन कॉपी पेस्ट नीचे तक, यहाँ तक पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग से ये क्लोजिंग बन के यहाँ पे आ गया है। अच्छा, यहाँ पे जो ओपनिंग आएगा अगला वाला, यहाँ पे कौन सा ओपनिंग रहेगा जो लास्ट बचेगा, तो मैंने लिंक कर दिया, मतलब यहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए इससे ऊपर वाली के लास्ट वाला, यहाँ क्लोजिंग आना चाहिए। अब मैं इसको कॉपी करूंगा नीचे तक, तो ये अपने अपने क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे उठा लेगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जीरो क्यों आ रहा है? तो अगर मैं F2 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए जीरो आ रहा है। तो मतलब मुझे इसको भी नीचे तक कॉपी करके लाना पड़ेगा ये। तो अब इससे क्या हुआ, अगर मैं रेंडमली इसको क्लिक करूं तो ये अपने पीछे वाले को कॉपी करके अपना रेफरेंस ले ले रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ के जीरो भी हो गया इस जगह आके, इस जगह यानी 10th वाले ईएमआई पर आते आते जीरो हो गया। तो ये मतलब ये नीचे वाला वेस्ट था अगर ना भी बनाऊं तो। तो मुझे पता लगता है अगर मेरा सामने क्लाइंट खड़ा हुआ है, कस्टमर खड़ा हुआ है, वो पूछता है कि मेरी लोन स्टेटमेंट मुझे दो, तो आप उसको ये बड़े प्यार से प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हो, ठीक है। जिसमें आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, प्रिंसिपल धीरे धीरे यहाँ पे अमाउंट जो है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे प्रिंसिपल का अमाउंट पे करोगे और इंटरेस्ट आपका कम होता चला जाएगा जो आपके क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट हो रहा होता है। क्योंकि ये 5 लाख पे पहले बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, फिर आपने कुछ पेमेंट करी तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है ओपनिंग बना, उस पर फिर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा 10%, फिर ये जितना धीरे धीरे कम होता जाएगा उतना ही इंटरेस्ट आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में शायद मैंने उल्टा बोल दिया था कि इंटरेस्ट जो है बढ़ता रहेगा और प्रिंसिपल कम हो जाएगा, ना, प्रिंसिपल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है और इंटरेस्ट यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, तो माय मिस्टेक, उसे आप थोड़ा इग्नोर करें। इनको इस तरीके से कर लेते हैं, डन। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 साल का है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अपने आप क्या बनता चला जाएगा, ये स्टेटमेंट बनता चला जाएगा। आपको दिख रहा है कि 2 साल में आके ये 2 किस्त में ही क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब यहाँ पे मैं ईयरली ना लेकर मंथली लेता हूँ जो जनरली यूज की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं 2 साल का अगर मैं लोन ले रहा हूं तो 24 महीने की किस्त बनेगी, जो कि यहाँ पे कम पड़ रही है। तो हम एक काम कर लेते हैं, लास्ट वाली लाइन को डबल क्लिक कर देता हूँ, पूरा नीचे तक कॉपी हो जाएगा ये, पूरा नीचे तक। हालांकि इतनी यूज नहीं हो रही है, लेकिन मुझे दिख रहा है कहाँ तक यूज हो रही है, जहां मुझे जीरो दिखेगा क्लोजिंग यहाँ तक, ठीक। इसमें येलो कलर हो गया, इस येलो कलर को हटा देते हैं क्लियर करके, क्लियर फॉर्मेट, अब सही है।
तो ये जीरो कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है आपको जीरो। इसको एक बार और कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं, तो ये यहां पे जीरो दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि ये 24 महीने में जाके आपका जो है लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक काम करना चाहिए। लेकिन अब एक दिक्कत और आने वाली है, ये दिक्कत आ रही है, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ना, ये ईएमआई, ये गलत ईएमआई कैलकुलेट हो रही है। क्यों गलत ईएमआई कैलकुलेट हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये पर एनम है। अब इंटरेस्ट पर एनम है तो आप जो है पेमेंट कर रहे हो मंथली, तो एक साल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 12 महीने बनेंगे आपके, और आप हर महीने ईएमआई पे कर रहे हो, तो आपने जो अमाउंट लिया हुआ था, जो आपका प्रिंसिपल था, उसमें पहले 1 महीने का ब्याज लगेगा, फिर आप उसमें से कुछ ईएमआई पे करोगे, फिर अगले महीने का ब्याज। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 10% था ये आपका पर एनम था, तो हमें कहीं ना कहीं जो रेट चाहिए होगा वो डिवाइड बाय 12 यानी पर मंथ का रेट चाहिए होगा, और ये तो हम क्यों कौन सा रेट ले रहे हैं यहाँ पे, पर एनम रेट ले रहे हैं। ठीक, तो ये चीजों से हमें बचना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा किसी एक को ईएमआई को पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा ईएमआई को ओपन करते हैं, यहाँ पे B2 जो है रेट है हमारा, तो रेट को हमें डिवाइड मारना पड़ेगा 12 से, और जब क्वार्टरली की बात आएगी तो क्वार्टरली के लिए हमें डिवाइड मारना होगा 4 से, और हाफ ईयरली की बात आएगी तो डिवाइड मारना होगा 2 से, और ईयरली में तो डिवाइड 1 से करोगे तो वही रहेगा, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कब कब बार बार थोड़ी ना हद से बदलता रहूंगा, तो मैं डिवाइड करके सीधा एक बार जो यहाँ पे 12 मंथ की स्कीम होती है 12 ले लेता हूँ, C4 ले लेता हूँ, और इसको फिक्स कर लेता हूँ और एंटर मार लेता हूँ, और इसको पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, सेम यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है, रेट को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, जो भी मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये वाली चीज, इसको लॉक करके कॉपी एंड देन नीचे तक पेस्ट मार देते हैं। सेम मुझे यही काम यहाँ पे भी करना होगा, और यहाँ पे मुझे डिवाइड करना होगा दिस एंड मल्टीप्लाई दिस। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप नॉर्मली जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल पे रेट कैलकुलेट होता है ये ऐसे करके, एंड और फिर आपका जो भी टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अगर जो मंथली यहाँ पे बात चल रही है तो आप टाइम को भी तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करा था भाई, जो आपका 2 साल का लोन है वो उसमें आपने 12 से मल्टीप्लाई करा, तो आप कह रहे हो कि मेरा टोटल टाइम फ्रेम हो गया 24, मतलब आपने टाइम को तो एडिट कर दिया लेकिन रेट को भी तो एडिट करना पड़ेगा। रेट आपका कैसा है? पर एनम का रेट है, पर एनम के रेट को आपको पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 12 से। तो जब आप रेट को 12 से डिवाइड मारोगे तो ये पर मंथ का रेट आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप क्वार्टरली कर रहे होंगे तो आपको 4 से डिवाइड मारना पड़ेगा रेट को, और यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम के साथ। ऐसे ही करते हैं जब आप मैथ्स में इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आशा करके चल रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, और ये आप पहले से थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। ठीक है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे मैं यूज़ करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने सब जगह शायद लगा दिया है, सब जगह ठीक कर दिया है। ओके, इसके बाद अब हमारा ये बिल्कुल ओके काम करेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वार्टरली, तो टाइम पीरियड 8 साल हो जाएगा, 8 ईएमआई बन जाएंगी, सॉरी 8 ईएमआई बन जाएंगी, और उसमें सही तरीके से भी काम होता चला जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं मोबाइल लेकर आया 20,000 रुपये का, और इंटरेस्ट रेट था 11% का या फिर 12% का, और मैंने 2 साल में ईएमआई बांध दी है 2 साल की, और मंथली पे करूंगा, तो ऐसे करके मेरी जो किस्त बनेगी वो कितने की बनेगी? 941 रुपये की। ठीक है, या फिर मेरी मोबाइल की शॉप है, मेरे पास एक खरीदने वाला कोई पर्सन आया हुआ है, और मोबाइल वो 25,000 रुपये का है, वो कहता है कि मुझे ईएमआई पे मोबाइल चाहिए। मैंने उसे बताया रेट 12% का, उसने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कितने कितने टाइम की किस्त बनानी है? कहता है 1 साल की बना दो। 1 साल की मंथली पे करेगा, 12 किस्त बनेंगी, तो एक किस्त उसकी आएगी 2,221 रुपये की। ऐसे करके भी आप इससे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ईएमआई कितनी बनेगी, तो इक्वल टू किसी भी एक ईएमआई को उठा लो आप कुछ ऐसा। इसको कर देते हैं सेंटर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पास बोल्ड कर देते हैं, दैट्स इट। इससे क्या होगा, अब यहाँ पे 5 लाख का लोन लेने को आया हुआ है, 5 लाख का लोन ये लीजिए, 5 लाख का लोन कोई लेने आया हुआ है, और वो बोलता है कि मुझे अगले 15 सालों के लिए लोन चाहिए, और ठीक है बस इतना ही बोला उसने। यहाँ पे हम उसे रेट जो दे रहे हैं वो 9.5% का दे रहे हैं, तो ऐसे करके उसकी किस्त जो बता पाएंगे हम उसे बता देंगे, 5221 की किस्त बता देंगे। ठीक है, और इसको शानदार बनाने के लिए थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ये सब, और इतनी ये वाली सेल को मैं डिलीट करता हूँ, तो इतने को सेलेक्ट करके Ctrl- दबाओ, अप कर दो, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एंड साइड वाली चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हो, कॉलम को सेलेक्ट करा बिल्कुल एंड तक,
और इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड नीचे हाइड करने की ज़रूरत है नहीं, नीचे भी कर दें क्या? एक काम करते हैं, हम 200 तक तो हम कर ही चुके हैं, इसके नीचे यहाँ पे हाइड कर देते हैं अगर करना भी है तो। लेकिन याद रखना फिर लंबी ईएमआई जब बनाओगे तो वो पता नहीं कर पाओगे आप। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, तो बिल्कुल लॉक सा हो गया यहाँ पे, डन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके पीछे की जो लाइन है ये अगर आपको नहीं देखनी तो व्यू में जाके आप ग्रिड लाइन को हटा सकते हो, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आप इसमें अपना खुद का फॉर्मेट भी रख सकते हो, बॉर्डर्स लगा सकते हो। मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा लेता हूँ कुछ ऐसे करके, पीएमटी वगैरह फंक्शन नहीं भी रखने हैं तो यहाँ से हटा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ लोन स्टेटमेंट, ठीक है, लोन स्टेटमेंट, और इसको सेंटर कर देता हूँ एंड बोल्ड एंड देन दिस एंड वाइट कलर इस पे कर देते हैं लोन स्टेटमेंट कुछ ऐसे। इसको भी हल्का सा कलर कर देते हैं कुछ ऐसे, सेव। यहाँ पे क्या कर देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें छेड़ी जाएं या नहीं छेड़ी जाएं, जैसे कि ये वाली चीज़ है इसको एडिटेबल बनाना है मुझे, तो मैं ऑरेंज कर देता हूँ, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, और टेन्योर को मैं ऑरेंज कर देता हूँ, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, इनको ऑरेंज नहीं करना, ये तो वैसे ही छोड़ देते हैं, नो फेल। तो मतलब जो भी है इसमें छेड़ाखानी हो बाकी उसमें छेड़ाखानी ना हो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्लियर। यानी किसी को अगर मैं सॉफ्टवेयर को दूं तो मैं उसे बोल दूंगा ये ऑरेंज वाली जो जगह है इनको ही आप एडिट करें, 5 लाख के बदले अगर आपको 2 लाख करना है तो आप 2 लाख कर दें, 10% के बदले आपको अगर 12 करना है 12 कर लें, और 10 ईयर के बदले अगर आप 10 साल का बनाना चाहते हैं वो कर दें, और यहाँ पे ईयरली हाफ ईयरली जो भी आपको करना है वो कर लें, ठीक। और बाकी कुछ नहीं छेड़ना, अगर मान लो गलती से उससे ये डिलीट हो भी गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। इसके लिए मैंने आपको बताया अभी तक चीज़ें आप लॉक कैसे कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं अगर अपनी चेयर से थोड़ी देर के लिए उठता हूँ और अपनी चेयर पे किसी को बैठाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन आए सिर्फ इन्हीं को छेड़े, बाकी किसी चीज़ को ना छेड़े, क्योंकि अगर गलती से अगर ये डिलीट हो जाए तो ये सारा फॉर्मेट पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो ये सब चीज़ें ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को ना प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, यानी बाकी सभी चीज़ों पर लॉक लगा देता हूँ ऐसा कह लेते, और इन चीज़ों को फ्री छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले भी बताया था कुछ वीडियो पहले में, यहाँ पे मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो ये अभी लॉक्ड है ये अनलॉक्ड है, मैं इस पूरी शीट को लॉक्ड कर देता हूँ, ये टिक लगा के लॉक कर देता हूँ, बल्कि पहले से भी लॉक की थी लेकिन लॉक कर देता हूँ, और इन जगह को अनलॉक छोड़ देता हूँ, इस जगह को अनलॉक छोड़ देता हूँ, ये लो। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इस जगह को अनलॉक छोड़ा है, बाकी सारी जगह पे लॉक लग गया। लॉक लगने का मतलब अभी ये नहीं है कि आप इसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे, नहीं, अभी आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन ये लॉक तो लगा है बाकी सारी शीट पर इसको छोड़कर, लेकिन वो लॉक तब काम करेगा जब आप इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं प्रोटेक्ट कर लेता हूँ 123 पासवर्ड से, देखो क्या लिखता है, बोलता है प्रोटेक्ट वर्कशीट हो जाए और वो वाला कंटेंट भी प्रोटेक्ट हो जाए जो लॉक्ड सेल के अंदर है, मतलब ये ऑरेंज को छोड़ के सारा सेल लॉक कर रखे हैं मैंने, तो अब इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर मैं उसमें छेड़ाखानी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ बोलता है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट, आप क्या अलाउ करना चाहते हैं कि वो अनलॉक वाले सेल पे कुछ काम कर ले आराम से, तो मैं ओके कर देता हूँ 123 पासवर्ड दोबारा से। अब यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा खाली जगह पे, हाँ यहाँ क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे वो 1 लाख लिख सकता है, बड़े प्यार से लिख सकता है, लेकिन उसके बगल में जा ही नहीं पा रहा, ना एरो से जा पा रहा है ना ऊपर नीचे कहीं से भी नहीं जा पा रहा है, फंस गया, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना कहीं क्लिक हो रहा है, बस इस तरीके से ये काम करता रहेगा आपका, इसको सेव करा एंड किसी को भेजना है ऑटोमेटिक, वो आराम से इसमें काम कर पाएगा। मंथली करके देखता हूँ एक बार, और टेन्योर आपका 2 साल लेकर देखता हूँ, 2 साल 24 महीने होता है, 24 महीने यहाँ पे 0 हो रहा है, बिल्कुल सही। ये सब एक जगह से वेरिफिकेशन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं चलता हूँ गूगल पे और गूगल पे टाइप करता हूँ लोन कैलकुलेटर, तो लोन कैलकुलेटर आपको कोई भी आप लिंक ले लें एक अच्छी सी, तो मुझे पहले लिंक दिखाई दे रही है ईएमआई कैलकुलेटर की, इसको खोल के देखते हैं और एक खुद का एग्जाम्पल इससे वेरीफाई करके देखते हैं। मान लीजिए मैं 5 लाख का लोन लेने चाहता हूँ और बैंक जो रेट दे रहा है वो सपोज है 10% का दे रहा है, 15 साल के लिए मुझे लोन चाहिए, मंथली में किस्त दूंगा तो मेरी ईएमआई मेरे हिसाब से बनती है, मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनती है 5373। देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे भी ऐसी होगा, कोई सा भी एक लोन ले लो, मैंने होम लोन ले लिया 5 लाख लिख लेता हूँ, 5 लाख, और रेट 10% ले लेता हूँ, और टेन्योर यहाँ पे 15 साल ले लेता हूँ, और देखता हूँ कि मेरी ईएमआई इसके हिसाब से कितनी बनती है, एग्जैक्ट 5373 ही लोन की ईएमआई बन रही है,
यहाँ पे भी 5373 ही ईएमआई जो बन रही थी लोन की, वो भी सेम बिल्कुल ऐसी काम कर रही है। तो कुल मिला के सॉफ्टवेयर तो गूगल पे है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली में बन कैसे रहता, काम कैसे कर रहा था, वो ये चीज है। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको बनानी है ये लोन स्टेटमेंट। इस लोन स्टेटमेंट में आपने काफी सारे फंक्शन देखे, पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी। इसके अलावा आपने कैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग अच्छे से की जा सकती है, और रेफरेंस का तो काफी सारा इस्तेमाल हमने यहाँ पे देखा। प्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, और अपने जो हमारे लिस्ट जो है उसको भी मैंने वहाँ पे अपना अपडेट कर दिया है। पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फंक्शन हमने तीनों कवर कर लिए, काफी सारे हमने फंक्शन कवर कर लिए। अगली वीडियोज में हम और सारे फंक्शन पे काम करेंगे। 10 वीडियोज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन 10 वीडियोज में। आगे आने वाली वीडियोज में बहुत कुछ और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों में इन वीडियोज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलेगा और ज्यादा अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।